हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। अपनी इस क्लास में मैं डिप्लोमा, बीटेक और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस विद ट्रिकी क्वेश्चन कराती हूँ। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीसीडी और एक्सेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग ग्रे कोड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रे कोड के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और डिप्लोमा में इस तरह से आते हैं कि डिस्क्राइब दी ग्रे कोड, मतलब हमें ग्रे कोड के बारे में सब कुछ लिखना रहता है और उनकी टेबल के बारे में लिखना होता है। बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ग्रे कोड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग वन बाय वन उन सभी चीजों का डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रे कोड को 1953 में फ्रैंक ग्रे ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको हम लोग ग्रे कोड कहते हैं। हमेशा याद रखिए, चाहे हमको बी से जी में पहुंचना हो, बाइनरी से ग्रे में पहुंचना हो या ग्रे से बाइनरी में पहुंचना हो, हम लोग एक चीज फॉलो करते हैं, पी एक्स और एन। दिस इज द सिंबल ऑफ एक्स और। एक्स और आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये एक्स और एक गेट होता है, ठीक है। यहाँ पी मतलब प्रेजेंट है और एन मीन्स होता है नेक्स्ट बिट, ठीक। हम लोग प्रेजेंट बिट और नेक्स्ट बिट का एक्स और करते हैं और जो आउटपुट निकलता है वो हमारा बाइनरी या ग्रे होता है। ये एक्स और गेट का सिंबल होता है, मतलब ए और बी और सी जो होगा ए एक्स और बी। जब किसी प्लस साइन के चारों तरफ एक सर्किल घूम लगा दिया जाता है तो वो हमारा एक्स और होता है, ठीक है। अब हम लोग एक्स और गेट की टेबल ड्रॉ करेंगे। बाइनरी से ग्रे और ग्रे से बाइनरी कोड के कन्वर्जन के लिए हम लोग एक सिंपल एडिशन भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोगों को एक्सओरी फॉलो करना चाहिए। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में 8 4 2 1। तो देखिए यहाँ पर केवल हमारे पास 2 और 1 है, तो 2 है तो अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 0 और 2 1। उसी तरह यहाँ 1 की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 है, 1 0 1 0 1। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0 और 1 ऐड करेंगे 1 1 और 0 ऐड करेंगे 1 और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ये कैसे आया देखिए, 1 प्लस 1 एग्जैक्टली क्या होता है, 2। 2 को बाइनरी में क्या कहा जाता है, 1 और 0। याद करिए 8 4 2 1, 2 के नीचे हमारा 1 है तो 2 1। तो ये चीज हमारी कहलाती है कैरी और ये चीज होता है हमारे पास एडिशन, ठीक। तो इसी एडिशन को हम लोग लेते हैं और कैरी को छोड़ देते हैं। मतलब हमेशा याद रखिएगा, इफ एक्स और गेट द नंबर ऑफ वंस इज इवन देन आउटपुट इज 0 और इफ नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन आउटपुट इज 1, ठीक। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 1 में नंबर ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 2, दैट इज इवन, तो आउटपुट हमारे पास क्या हुआ, 0। उसी तरह 1 प्लस 0 में नंबर ऑफ 1 हमारे पास क्या है, ऑड, तो ऑड का 1 प्लस 0 ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1, तो आउटपुट आपके पास ऑड आया। क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हमेशा हम 1 या 0 से डील करते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बाइनरी से ग्रे कोड का एक कन्वर्जन करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट विथ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। पहले हम लोग इस तरह से समझते हैं, हमारे पास ए बिट है, दिस इज B3, B2, B1 एंड B0, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी से ग्रे कोड के कन्वर्जन के लिए हमें हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट बिट को हम एज इट इज उतार देते हैं और वो हमारी कहलाती है G3। यहाँ पर B मीन्स बाइनरी एंड G फॉर ग्रे, ठीक। अब हमने क्या बोला है, प्रेजेंट बिट प्लस नेक्स्ट बिट, ये हमारी प्रेजेंट बिट है और ये हमारी क्या है, नेक्स्ट बिट। तो हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट बिट और नेक्स्ट बिट का क्या कर देंगे, एक्स और, और इस प्रेजेंट और नेक्स्ट बिट के एक्स और करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा दैट इज G2। अगेन दिस इज द प्रेजेंट बिट, ये प्रेजेंट बिट है, ये नेक्स्ट बिट है, इस प्रेजेंट बिट और नेक्स्ट बिट का हम लोग क्या कर देंगे, एक्स और। जब इस प्रेजेंट और नेक्स्ट बिट का हम लोग एक्स और करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज G1। अगेन दिस इज द प्रेजेंट बिट, दिस इज द नेक्स्ट बिट, प्रेजेंट बिट एंड नेक्स्ट बिट का एक्स और हमको क्या दे देगा, दिस इज द G0। मीन्स बाइनरी से ग्रे कोड के कन्वर्जन के लिए सबसे पहले प्रेजेंट बिट को एज इट इज उतार देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा
चाहे हमको बाइनरी से ग्रे कन्वर्ट करना हो या ग्रे से बाइनरी कन्वर्ट करना हो, हमेशा हम लोग एमएसबी से स्टार्ट करते हैं और एलएसबी की तरफ जाते हैं. ऑलवेज वी स्टार्टेड फ्रॉम द एमएसबी एंड मूव टुवर्ड द एलएसबी. दिस इज द एलएसबी. बल्कि जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हम लोगों ने एलएसबी से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर बाइनरी से ग्रे कोड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमेशा एमएसबी से स्टार्ट करते हैं और एलएसबी की ओर पहुंचते हैं. दिस इज बाइनरी एंड दिस इज द ग्रे कोड कन्वर्जन. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, वन 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 वन, दिस इज द बाइनरी बिट. ठीक है, इस बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है ग्रे में. मैंने क्या कहा, फर्स्ट बिट को एज इट इज उतारिए. दिस इज द फर्स्ट बिट एमएसबी, दिस इज द एमएसबी एंड दिस इज द एलएसबी. ठीक, हमने क्या किया, वन को ऐसे उतार दिया. ठीक, ये वन और ये वन, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एक्स. और यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है हमारे पास, ये वन और ये वन क्या है, दो वन. जब नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन है तो आउटपुट क्या आता है, जीरो. यानी कि आउटपुट क्या आ गया, जीरो. दिस इज द प्रेजेंट बिट, दिस इज द नेक्स्ट बिट. अगेन इस प्रेजेंट बिट और नेक्स्ट बिट का क्या कर देंगे हम लोग, एक्स ऑर. जब इसका और इसका एक्स ऑर करेंगे तो दो वन हमारे पास क्या आते, इवन. इवन का आउटपुट क्या है, जीरो. अगेन आउटपुट इज जीरो. अगेन ये वन है और ये हमारी प्रेजेंट बिट, ये नेक्स्ट बिट. इस प्रेजेंट और नेक्स्ट बिट का फिर से हम एक्स ऑर करेंगे तो वन और वन आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो. दिस इज द ग्रे कोड, दिस इज द ग्रे कोड. और इस ग्रे कोड में ये हमारे पास क्या है, जी थ्री, दिस इज जी टू, दिस इज जी वन एंड दिस इज जी नॉट. ठीक, ये हमारा सिंपल सा बाइनरी और ग्रे कोड का कन्वर्जन होता है. दिस इज फर्स्ट मेथड. बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन का एक मेथड और होता है जिसको हम लोग शिफ्टिंग मेथड कहते हैं. शिफ्टिंग मेथड भी चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे. उसमें क्या किया जाता है, दिस इज द फर्स्ट मेथड. अब मैं आपको इसका सेकेंड मेथड बताती हूँ, शिफ्टिंग मेथड. कन्वर्जन फॉर बाइनरी टू ग्रे, दिस इज द शिफ्टिंग मेथड. सेकेंड मेथड, ठीक है, बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए बाइनरी टू फ्रॉम बाइनरी बी टू जी, शिफ्टिंग मेथड होता है. इसमें क्या किया जाता है, लिखती हूं मैं एफ टी, शिफ्टिंग मेथड. ठीक, शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है, मैंने जो नंबर लिया था वन 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 वन, ये नंबर ऐसे लिख दिया जाता है, इस एक नंबर को यहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, वन 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 और वन, ये नंबर मतलब एक साइड शिफ्ट कर दिया जाता है. ये वाली जो बिट होती है इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ओमिट मेथड. ये भी एक मेथड है, इसको छोड़ दिया जाता है. और उसके बाद क्या, अगर हम यहाँ पर जीरो रख दे तो हमारी बिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन सब का क्या कर लेंगे, एक्सऑर. एक्सऑर वन और वन का एक्सऑर, नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या है, इवन, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो. वन और वन, नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन है, आउटपुट क्या आएगा, जीरो. वन और वन, नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन है, आउटपुट क्या आएगा, जीरो. वन और जीरो, नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या है, और आउटपुट क्या आएगा, वन. देखिए आपका ये आंसर और पिछले वाला आंसर दोनों ही सेम है. मतलब बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन के दो मेथड होते, एक सिंपल प्रेजेंट बिट और नेक्स्ट बिट को हम एक्सॉर करके निकाल दे, और दूसरा मेथड हमारे पास होता है शिफ्टिंग मेथड. शिफ्टिंग मेथड का भी यूज करते हैं, जो स्टूडेंट को जो सुविधा हो वो उस हिसाब से कर सकते हैं. अब एक चीज मैं ये बता दूं, आपका जो डिप्लोमा या डिग्री के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी कभी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल होता है उसमें पूछा जाता है कि बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए कौन सी आईसी का यूज करते हैं, या एंड गेट के लिए कौन सी आईसी का यूज करते हैं, एक्स और गेट के लिए कौन सी आईसी का यूज करते हैं. साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा देखा गया है कि ए और बी दो चीजें बना दी जाती, ए पर गेट के कोड लिखे होते और दूसरी साइड में गेट का नाम लिखा होता और उनकी मैचिंग करनी होती है, तो हमको पता होना चाहिए. तो बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए जो आईसी होती है, आईसी 7486 होती है, ये 14 पिन की आईसी होती है. ठीक है, इस आईसी के अंदर चार आपके एक्सऑर गेट इनबिल्ट होते हैं. आप ब्रेडबोर्ड पर भी इसके सर्किट को बना सकते हो और हमको आउटपुट
मिलने लगता है। बाइनरी कोड के बारे में पढ़ते हैं, कन्वर्जन पढ़ते हैं। बाइनरी टू ग्रे में जो हम लोगों ने किया था वही मैक्सिमम चीजें हमें ग्रे टू बाइनरी में भी फॉलो करनी होती है। आप यहाँ एक चीज और देख रहे होंगे कि ग्रे से बाइनरी के कन्वर्जन के लिए हम डाउन से अप की ओर जा रहे हैं, वही काम हमें यहाँ भी करना है। मैंने ये वाला एग्जांपल ले रखा हुआ है जो मैंने बाइनरी से ग्रे के लिए बनाया था। अब हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा वो आंसर सही था। तो क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास ये बाइनरी है, ये जो नंबर है ये हमारे मेरे पास ग्रे है, ग्रे को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नंबर है 1000, ठीक है। पर इसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए ग्रे से बाइनरी के कन्वर्टन के लिए ये हमारे पास G3 है, ये हमारे पास G2 है, दिस इज G1 एंड दिस इज G0। हमको कहाँ पहुंचना है, बाइनरी पे। तो ये जो हमारी बिट है इसको एज इट इज लिख दिया जाता है, दिस इज B3। ऑलवेज बी स्टार्टेड फ्रॉम MSB, जैसा लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था B से G में, वही चेक करेंगे। ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम MSB, तो ये G3 जो होगी वो B3 होगी। अब दिस इज द प्रेजेंट बिट, यहाँ कोई नेक्स्ट बिट नहीं है, तो ये क्या करेगी, नेक्स्ट बिट का काम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे XOR, और जब इसका XOR निकालेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे कहलाएगा B2, दिस इज द प्लस साइन, ठीक। उसी तरह ये हमारी प्रेजेंट बिट हो गई, ये नेक्स्ट बिट हो गई, इधर कोई नेक्स्ट बिट है नहीं, तो ये प्रेजेंट बिट और इसका जो आउटपुट आएगा XOR करने के बाद, मतलब B2, और G1 का जो आउटपुट आएगा दिस इज द B1। सिमिलरली दिस इज द प्रेजेंट बिट, यहाँ कोई नेक्स्ट बिट नहीं है, तो ये लेंगे तो B1 और G0 का जो XOR आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज द B0। सिंपल सा ये कन्वर्जन है ग्रे टू बाइनरी के लिए। अब देखिए ये हमारे पास बिट है 1000, ये हमारी ये ग्रे बिट है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। दिस इज द G3, दिस इज G2, G1 एंड दिस इज G0, ठीक। G3 G2 हमने कहा है, G3 को एज इट इज लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक। दिस इज द प्रेजेंट बिट, दिस इज द नेक्स्ट बिट, इस 1 और इस 0 का क्या हम लोग करेंगे XOR। जब XOR करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 और 0, नंबर ऑफ 1s हमारे पास क्या है, ऑड। 1 और 0, नंबर ऑफ 1s हमारे पास ऑड है, आउटपुट क्या आएगा 1। अगेन दिस इज द प्रेजेंट बिट, इधर कोई बिट है नहीं, दिस इज वर्किंग एज अ नेक्स्ट बिट, इसका और इसका फिर से हम XOR लेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 0, नंबर ऑफ 1s हमारे पास क्या है, ऑड। 1 और 0, तो आउटपुट क्या आएगा 1। अगेन दिस इज द प्रेजेंट बिट, नेक्स्ट बिट है नहीं, दिस इज वर्किंग एज अ नेक्स्ट बिट, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से फिर XOR, 1 और 0, नंबर ऑफ 1s हमारे पास क्या है, ऑड। 1 और 0 या 0 और 1, नंबर ऑफ 1s क्या है, ऑड, दिस इज 1। मतलब ये हमारी क्या आ गई, बाइनरी। और हमने लास्ट वीक अपने लास्ट वाले जो पढ़ा था बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन में भी हमने यही लिया था। दिस इज द सिंपल वे टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, जो जिस तरह से हमने बाइनरी से क्या मिल गया हमको, B3, यानी कि ये चीज हमारे पास क्या आ गई, G3, और ये चीज हमारे पास क्या आ गई, B3, ठीक है। B2 में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, B3 को ऐसे ही लेना पड़ेगा, और G2 और B3 का क्या लेना पड़ेगा, XOR, ठीक है, XOR। तो B3 आपके पास ये आया, ये B3 हो गया, और यहां पर हम क्या एक दे देंगे G2, ठीक। G1 में हमें पहुंचता है B1 के लिए, दिस इज B2। B1 में पहुंचने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, B2 और G1 का XOR, B2 और G1 का XOR लेना पड़ेगा। तो ये चीज जो आपकी आएगी बिट में इस तरीके से ये चीज आ जाएगी, दिस इज आपकी ये आ जाएगा B1 है, और ये चीज आपके पास आ जाएगी B2, और ये आपके पास आ जाएगा G1। सिमिलरली इसमें हम लोग यही करेंगे, आपको क्या लेना है यहाँ पर, दिस इज B0। B0 आपको कैसे मिलेगा, B1 और G0 का XOR कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज आप आएगा G0 एंड दिस इज द B1, दिस इज B1
दिस इज बी टू एंड दिस इज बी थ्री। इस तरह से आप इसको देख करके आसानी से ग्रे टू बाइनरी का सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, नॉन वेटेड कोड, रिफ्लेक्टिव यूनिट स्टैंड, मिनिमम एरर कोड, नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग ग्रे कोड में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रे कोड की टेबल चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर जीरो 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 लिख दिया था। ग्रे कोड की टेबल ड्रॉ करने का सिंपल ये है कि पहले फर्स्ट बिट का रिफ्लेक्शन लेंगे, फिर सेकेंड बिट का लेंगे, फिर थर्ड बिट का लेंगे और फिर फोर्थ बिट का रिफ्लेक्शन लेंगे। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि ये जीरो का रिफ्लेक्शन क्या होगा वन और वन का रिफ्लेक्शन क्या होगा जीरो। जैसे कोई हमारी रे यहाँ जा रही, मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिया है, तो ये जो रे होगी अपोजिट होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। उसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो का रिफ्लेक्शन वन और वन का रिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट बिट, दिस इज द फर्स्ट बिट, मैं यहाँ पर एम लगा दे रही, तो फर्स्ट बिट का रिफ्लेक्शन क्या होगा वन और बाकी की बची हुई बिट को आप ऐसे ही लिख देंगे। अगेन इस सेकेंड बिट का आप रिफ्लेक्शन लेंगे, तो इस सेकेंड बिट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो दैट इज वन और अगेन ये आपके पास आएगा वन और बाकी बची हुई बिट को आप ऐसे ही रख देंगे। ठीक, अगेन ये थर्ड बिट आपके पास जो आपके पास आएगी इस तरीके से, ये आपकी क्या हुई थर्ड बिट। हम क्या करेंगे, इस थर्ड बिट का रिफ्लेक्शन लेंगे, जब इस थर्ड बिट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये सारी बिट आपके पास क्या आ जाएगी वन और बाकी बची हुई बिट को आप ऐसे ही लिख देंगे। तो थर्ड बिट वन 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 वन, ये थर्ड बिट की चार बिट का रिफ्लेक्शन ये आ गया और बाकी बिट आपने ऐसे लिख दी वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो और ये बची हुई बिट आप ये और ये आप लिख देंगे। आप कहाँ पर जाएंगे, फोर्थ बिट पर। फोर्थ बिट में मैं यहाँ एम लिख दे रही हूँ, क्या लिखूंगी फोर्थ बिट का रिफ्लेक्शन। फोर्थ बिट का जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये बाकी यहाँ की सारी बिट क्या हो जाएगी नीचे वन। मैंने यहाँ केवल एट और नाइन तक लिखा हुआ, आप आगे भी करेंगे टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो सारा क्या हो जाएगा वन। चूंकि मेरे पास केवल दो ही बची हुई बिट है तो यहाँ पर दो बिट का रिफ्लेक्शन हम ले लेंगे वन और वन और बाकी की बची हुई बिट कैसे लिख देंगे वन जीरो जीरो वन जीरो वन। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्रे कोड में जीरो जीरो लिखेंगे, पहली बिट का रिफ्लेक्शन लेंगे वन और बाकी बची हुई बिट ऐसे ही लिख देंगे। फिर दूसरी बिट का रिफ्लेक्शन लेंगे दैट इज ऊपर ये दो बिट का रिफ्लेक्शन वन और बाकी बची हुई बिट आप ऐसे लिख देंगे। उसी तरह तीन लिया, ये तीसरी बिट लिया, बाकी की ये चार बिट का रिफ्लेक्शन ये और बाकी की ये बिट हम ऐसे लिख देंगे। इसी तरह चौथी बिट ली, चौथी का इस पूरी बिट का रिफ्लेक्शन ये, चूंकि यहाँ पर केवल दो ही लिख रखा हुआ हमने इसलिए वन और वन इस बिट का रिफ्लेक्शन लिया और बाकी की बिट को हमने लिख दिया। तो यहाँ पर वन बाय वन हर बिट का एक रिफ्लेक्शन लिया जा रहा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिंग कोड कहा जाता है। हर बिट का एक 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 बिट का यहाँ रिफ्लेक्शन लिया जा रहा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिंग कोड कहा जाता है। नॉन वेटेड कोड ये है क्योंकि देखिए ये हमारे पास वन है, ये डेसिमल में तो टू है लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है थ्री, यहाँ पर ये थ्री है डेसिमल में लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास टू। चूंकि यहाँ पर हर बिट की पोजीशन फिट नहीं है, सेट नहीं है, इसीलिए इसको हम नॉन वेटेड कोड कहते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिट डिस्टेंस कोड। अब यूनिट डिस्टेंस कोड देखिए, आप कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी बिट उठाइए तो आप देखिएगा। चलिए मैंने सिक्स और सेवन को लिया, देखिए सिक्स और सेवन में ये बिट आपकी क्या है सेम है, सिक्स और सेवन में ये बिट आपकी क्या है सेम है, ये बिट आपकी क्या है सेम है, लेकिन क्या ये बिट सेम है नहीं, कितने का डिफरेंस है वन और जीरो, यानी एक बिट का डिफरेंस है, इसीलिए इसको यूनिट डिस्टेंस कोड कहा गया है। कोई भी बिट आप उठा लीजिए, एट और नाइन को देखिए, एट और नाइन में ये दोनों क्या है सेम, ये अगेन सेम, ये अगेन सेम, लेकिन क्या ये सेम है ये सेम नहीं है, कितने का जीरो और वन, मतलब इन चारों बिट में केवल एक बिट है जो डिफरेंस है, इसीलिए इसको वन यूनिट डिस्टेंस कोड या वन बिट डिफरेंस कोड भी कहा जाता है। और इसीलिए इसको मिनिमम एरर कोड भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम इसका सर्किट बनाएंगे तो पहली बिट के लिए सेम बनाएंगे और दूसरी बिट के लिए केवल हम एक बिट को अलग कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा सर्किट बन जाएगा। मतलब इस सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करना बहुत इजी होता है, इसी क्यों इसीलिए इसको मिनिमम एरर कोड भी कहते हैं, क्योंकि एक कोड के डिफरेंस से ही
हमारे मैसेज में क्या डिफरेंस है, क्या एरर है, वो हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक एरर का डिफरेंस है। चौथी प्रॉपर्टी है नॉन सेल्फ, ये एक नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। कैसे करते हैं, याद करिए एक्सेस 3 कोड में मैंने बताया था कि जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है वो कोड क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्रे कोड। क्या वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसका निकाले 1111 तो इज इक्वल टू द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट डेसिमल नंबर। तो इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या था, एक्सेस 3 कोड में मैंने बताया था 9। तो 9 का जो डेसिमल नंबर में क्या ये सेम है, ये देखिए सेम नहीं है, इसीलिए ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये एक नॉन सेल्फ इमेंटिंग कोड है। देखिए दूसरा देख लीजिए, जैसे 2 है, 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 कोड या वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्रे कोड, तो 2 का आपका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का आ जाएगा 1100 और 2 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 9 - 2 = 7। तो क्या 7 का यहाँ पर ये नंबर सेम है, 0100 नहीं है सेम, इसीलिए ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इस टेबल के थ्रू हम लोगों ने ग्रे कोड की सारी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिया है। ये इट इज करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।